नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक यादव आपका स्वागत करता हूं एप्टी गुरु के यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो डेली हम इस तरह से आपके सामने से एक सीरीज लेकर आएंगे 10 क्वेश्चंस की, जो आपको मॉर्निंग में अपडेट बिल्कुल मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। 18 सितंबर है आज, और आज के टॉप इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन हमारे सामने हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखेंगे आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे। रिसेंटली द सीएम चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द सीएम संपूर्ण पुष्टि स्कीम, यानी कि यहाँ पे सीएम के द्वारा जो है किस राज्य में संपूर्ण पुष्टि स्कीम लॉन्च की गई है। यानी हाल ही में ये क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो रहा है कि किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने, मुख्यमंत्री ने संपूर्ण पुष्टि स्कीम यहाँ पे लॉन्च की है। ऑप्शन है आपके सामने कर्नाटका, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आप सभी यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। यहाँ पे इसका आंसर बच्चे उड़ीसा होगा। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने यहाँ पर इस स्कीम को लॉन्च किया है, जो कि ये न्यूट्रिशियन से रिलेटेड है। ठीक है, ये न्यूट्रिशियन से रिलेटेड है। किसको न्यूट्रिशियन के लिए बच्चे? ये जो न्यूट्रिशियन है यहाँ पे वुमेन के लिए है, ठीक है, और यहाँ पे चिल्ड्रन के लिए है, और आप कह सकते हैं गर्ल्स के लिए भी है। यानी कि जो भी गर्ल्स है वहाँ की, जो भी चिल्ड्रेन है वहाँ पे, बच्चे हैं, जो भी वुमेन है, उनके लिए न्यूट्रिशन के लिए स्कीम है। उनके यानी बॉडी में जो भी कमी है, उस न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च हुई है? ओडिशा में लॉन्च हुई है। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। तो ओडिशा से जुड़ी बाकी जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, ओडिशा, ठीक है, रायगढ़ शॉल गेट्स GI टैग। और उड़ीसा की जो है रायगढ़ शॉल को GI टैग यहाँ पे दिया गया है। ये अभी रिसेंट में ये सारे जो है इंफॉर्मेशन है, ये सारी जो न्यूज़ है रिसेंट की है, तो इसे भी आप जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकते हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, ये भी कुछ स्टूडेंट्स को दी गई है। ठीक है, इसमें जो है कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे कुछ मनी से हेल्प की जाएगी। ठीक है, उन्हें स्कॉलरशिप वगैरह दी जाएगी। उसका नाम है मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। ये भी ओडिशा गवर्नमेंट की स्कीम है। तो ये दोनों क्वेश्चन बच्चे बन सकते हैं एग्जाम में। एक तीसरा क्वेश्चन ये यहाँ पे बन सकता है। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं गवर्नर कौन है वहां के। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नर का क्वेश्चन बन सकता है। आपको यहाँ लिख सकते हैं आप लोग गणेशी लाल। गणेशी लाल वहां के जो है गवर्नर है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं सीएम कौन है वहां पे बच्चे। सीएम भी पूछ सकते हैं आपसे, नवीन पटनायक। नवीन पटनायक है वहां के, ठीक है, नवीन पटनायक वहां के सीएम है, और यहाँ पे गवर्नर है गणेशी लाल। तो ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग संस्कृत टैलेंट सर्च कॉम्पिटिशन फॉर लैंग्वेज प्रमोशन, यानी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर संस्कृत टैलेंट सर्च कंपटीशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे संस्कृत को प्रमोशन दिया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है? तो हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, या नन ऑफ दीज है? तो आप यहाँ पे देखेंगे कि किस गवर्नमेंट की बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की बात की जा रही है। बाकी सारे आंसर यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, तो सभी लोगों को पता है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो संस्कृत को बढ़ाने के लिए पहले भी बहुत सारे यहाँ पे इनिशिएटिव लिए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? उत्तर प्रदेश। और बाकी इन्फॉर्मेशन इसमें देखेंगे नीचे गिवन है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च गिफ्ट डीड स्कीम टू रिड्यूस प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है, गिफ्ट डीड स्कीम। इसको भी आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है, अभी कुछ दिन पहले रिसेंटली प्रयागराज पुलिस स्टार्टेड सवेरा स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन, यानी सीनियर सिटीजन के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की है? सवेरा स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे। उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के जो है सीएम सभी को पता है आदित्यनाथ योगी जी हैं, आप कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं। और यहाँ पे आप गवर्नर भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, गवर्नर कौन है बच्चे? आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, आनंदीबेन पटेल है यहाँ पर। चलिए तो इस तरह से क्वेश्चन आपको बच्चे सीएम और गवर्नर जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, उनके गवर्नर और सीएम आपको यहाँ पर देखने हैं, पढ़ने हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री आपके सामने बच्चे, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन एग्रीमेंट, विद स्पेन ला लीगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फुटबॉल, यानी फुटबॉल के डेवलपमेंट के लिए किस राज्य सरकार ने स्पेन की जो एक तरीके से आप कह सकते ग्रुप है,
ला लीगा या एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फुटबॉल को प्रमोट करती है, ठीक है, उसे उसके साथ एक जो है एग्रीमेंट को साइन किया है। कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है? तो ऑप्शन आपके सामने बच्चे यहाँ पे पंजाब है, वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है और नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पे बच्चे सही आंसर हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल पे क्लिक करेंगे हम, वेस्ट बंगाल यहाँ पे सही आंसर है, बाकी सारे रॉन्ग है। तो वेस्ट बंगाल ने ये जो स्पेन की ला लीगा एक तरीके से यहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब कह सकते हैं आप इसे, उनके साथ एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये भी एग्जाम का अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में आपको, ठीक है, मिल सकता है। वेस्ट बंगाल के बारे में आप यहाँ कह सकते हैं, सीएम पूछ सकते हैं, गवर्नर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ के सीएम सभी को पता है, वेस्ट बंगाल के सीएम है ममता बनर्जी। ठीक है, यहाँ पे ममता बनर्जी आपके हो जाएंगी, और यहाँ पे आप उसके बाद जो है गवर्नर आपसे पूछ सकते हैं, सीवी आनंदा बोस यहाँ के गवर्नर हैं। सीवी आनंदा, ठीक है, बोस यहाँ के गवर्नर हैं। तो आपको दो चीज यहाँ पे पूछ सकते हैं, सीएम तो नॉर्मल है सभी को पता ममता बनर्जी हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, गवर्नर कौन कौन है? सीवी आनंदा बोस। चलिए, तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है कि किस किस गवर्नमेंट ने, किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेन की ला लीगा के साथ यहाँ पे एग्रीमेंट को साइन किया है फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए। आंसर इज वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आगे, विच कंट्रीज फर्स्ट प्रेसिडेंट, यानी कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके जो पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है, मिर्सिया स्नेगुर, ठीक है, मिर्सिया स्नेगुर हैज पास्ड अवे, उनका जो देहांत हो गया है, ठीक है, वो अपने देश के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है, मिर्सिया स्नेगुर। तो ऑप्शन हमारे पास फ्रांस है, ठीक है, मोल्दोवा है, सिंगापुर है और नन ऑफ दीज है। तो आप इसमें आंसर कर सकते हैं, कमेंट में इसका आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने फ्रांस, ठीक है, यहाँ पे भी गलत हो जाएगा बच्चे, ये मोल्दोवा के जो है एक तरीके से कहा जा सकता है मोल्दोवा कंट्री के प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इसमें बच्चे ये यूरोप की कंट्री है, आपसे पूछ सकते हैं कहाँ की है, यूरोप की कंट्री है ये मोल्दोवा, और इसकी जो है किश्नाऊ यहाँ पे इसकी, ठीक है, कैपिटल आप लिख सकते हैं, आपसे वैसे किसी एग्जाम में देखा तो नहीं गया है बट एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, मोल्दोवा की कैपिटल कौन सी है? किश्नाऊ, ठीक है, किश्नाऊ वहां की कैपिटल है। और सिंगापुर यहाँ पे रहोंगे, नन ऑफ दिस भी रहोंगे, यहाँ पे मोल्दोवा आंसर हो जाएगा, उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ठीक है, मोल्दोवा के मिर्सिया स्नेगुर। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो यूरोपियन कंट्री है, इस चीज को आप याद रखें, और इसकी कैपिटल है जो है बच्चे किश्नेऊ, किश्नेऊ यहाँ की कैपिटल है, ठीक है, किश्नाऊ इसे बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पे बच्चे, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा है? फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने, हु हैज रिसेंटली बिकम न्यू चेयर पर्सन ऑफ मास्टर कार्ड, ठीक है। तो मास्टर कार्ड एक कंपनी है बच्चे जो आपके डेबिट कार्ड्स वगैरह बनाती है, ठीक है, आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड वगैरह बनाती है, ठीक है। तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड बनाने वाली कंपनी मास्टर कार्ड के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं आपके सामने हैं, देखिए, सिंधु गंगाधर, रजनीश कुमार, जोशित रंजन और नन ऑफ दीज। जल्दी से बच्चे इसका आंसर करें सभी स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे करेक्ट आंसर आपका जो है वो रजनीश कुमार हो जाएगा, रजनीश कुमार को अभी हाल ही में बनाया गया है मास्टर कार्ड का चेयरपर्सन, ठीक है। और सारी अपॉइंटमेंट, ये जो बच्चे क्वेश्चन है ये अपॉइंटमेंट की कैटेगरी में आता है, ठीक है, ये अपॉइंटमेंट की कैटेगरी में आता है, यहाँ पे ये सारी अपॉइंटमेंट्स भी आपको देखनी है अभी जल्दी जो हुई है, ठीक है। नीरज मित्तल ने कौन सा यहाँ पे चार्ज लिया है? सेक्रेटरी बने हैं नीरज मित्तल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के, और उसके बाद श्याम सुंदर गुप्ता जी को बनाया गया यहाँ पे प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे, ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन है नास्कॉम के, ठीक है, कौन जो है चेयरपर्सन बनाए गए हैं नास्कॉम के? राजेश नेम्बेर, ठीक है, राजेश नाम्बियर यहाँ पे चेयरमैन बनाए गए हैं नास्कॉम के। तो चलिए, ये सारे जो है क्वेश्चन बच्चे अपॉइंटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है रिसेंटली, क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है रिसेंटली द सीएम ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड, ठीक है, ग्रह आधार स्कीम, ठीक है, ग्रह आधार स्कीम कहाँ लॉन्च की गई है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है बच्चे, आसाम में, केरल में, गोवा में और नन ऑफ दीज, ठीक है। जल्दी से बच्चे आप आंसर कर सकते हैं इसका, कमेंट कर सकते हैं सिक्स क्वेश्चन।
तो सही आंसर बच्चे यहाँ पे आप देखेंगे सही आंसर होगा इसका गोवा। गोवा में इस स्कीम को लॉन्च किया गया है सीएम के द्वारा, गृह आधार स्कीम को। और अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है सीएम, ठीक है, आपसे सीएम पूछ सकते हैं गोवा के सीएम कौन है इस समय पे। तो आंसर होगा आपका प्रमोद सावंत, आंसर होगा आपका प्रमोद सावंत, ठीक है, प्रमोद सावंत यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट इसी के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आयुष हेल्थ सर्विस, ठीक है, एंड रिसर्च फैसिलिटी इनॉगरेटेड इन गोवा। ठीक है, जो आयुष हेल्थ सर्विस है वो कहाँ पे इनॉगरेट की गई है, गोवा में इनॉगरेट की गई है। ठीक है, आप सभी ने सुना होगा आयुष्मान जो कार्ड बनते हैं, ठीक है, उसी तरह की ये स्कीम है जो कि गोवा में लॉन्च की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आगे, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड इट्स ब्रांड एम्बेसडर बाय द लीडिंग लुब्रिकेंट ब्रांड मोबिल। ठीक है, कौन अपॉइंट किया गया है, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। बच्चे मोबिल का ब्रांड एम्बेसडर आप पूछ रहे हैं, ठीक है, तो मोबिल बच्चे एक कंपनी है, लुब्रिकेंट ब्रांड है यहाँ पे, और ये आप देखेंगे मोटरसाइकिल वगैरह में जो भी बाइक्स वगैरह होती हैं उसमें, ठीक है, लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है मोबिल। एंड ऑप्शन है आपके सामने बच्चे विराट कोहली, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार और नन ऑफ दीज। तो आप इसमें आंसर कर सकते हैं जल्दी से, ये बच्चे ब्रांड एम्बेसडर के क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाएं एग्जाम में, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर के क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएं एग्जाम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंकिंग में भी एसएससी में भी पूछे जाते हैं जो भी नए ब्रांड एम्बेसडर बने होते हैं। तो चलिए इसमें बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चे ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन जो है नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, ठीक है, मोबिल कंपनी के, मोबिल ब्रांड जो है लुब्रिकेंट का। नेक्स्ट आपके सामने इसमें देख सकते हैं अभी और रिसेंटली जो भी बने हैं एम्बेसडर, सेंचुरी मैट्रेस कंपनी जो है, ठीक है, सेंचुरी मैट्रेस कंपनी के पीवी संधू को बनाया गया है, पीवी संधू जो प्लेयर हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंडियन ऑयल, इंडियन ऑयल संजीव कपूर को बनाया गया है, ठीक है, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है। एंड स्वराज ट्रैक्टर्स ने बनाया है महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। तो ये एग्जाम के लिए बच्चे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए सेवन्थ क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कवर हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड 4 लाख इंश्योरेंस कवर फॉर गिग वर्कर्स। ठीक है, जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में गिग वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जो भी रेगुलर नहीं होते, नॉन रेगुलर वर्कर होते हैं, नॉन रेगुलर वर्कर्स जो भी होते हैं, ठीक है, उनके लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है, ठीक है, जिसमें 4 लाख का इंश्योरेंस दिया जाएगा उन्हें, 4 लाख का इंश्योरेंस दिया जाएगा। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है आपके पास उत्तराखंड, कर्नाटका, हरियाणा और नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी बच्चे आप इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 का, तो ये ऑप्शन बच्चे आपके गलत हो जाएंगे। आंसर हमारे पास कर्नाटका, कर्नाटका इसका आंसर हो जाएगा। और कर्नाटका से जुड़ा हुआ जो है यहाँ पे देखें एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है, इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इनॉगरेटेड इन बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस भी ओपन किया गया है, इनॉगरेट किया गया है। ठीक है, ये अभी कुछ दिन पहले एलएनटी कंपनी के द्वारा ओपन किया गया था बच्चे, ठीक है, एलएनटी कंपनी ने इसका जो है निर्माण किया है, इसे बनाया है बेंगलुरु में फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा कि भाई किसने जो है 4 लाख की इंश्योरेंस कवर स्कीम दी है अपने गिग वर्कर्स को, और यहाँ पे 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ इनॉगरेट किया गया है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है रिसेंटली, ठीक है, ओबैदुल हसन, ठीक है, रिसेंटली ओबैदुल हसन हैज बीन अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ विच कंट्री। ठीक है, ये कह रहा है हाल ही में किस देश ने अपना चीफ जस्टिस बनाया है ओबैदुल हसन को। ऑप्शन ए है हमारे पास ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नन ऑफ दीज। तो जल्दी से बच्चे आप इसका आंसर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है, जितने भी हैं। तो आंसर यहाँ पे बच्चे आप देख सकते हैं, ठीक है, बांग्लादेश यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं बांग्लादेश के पीएम कौन है। ठीक है, तो बांग्लादेश के पीएम है शेख, ठीक है, हसीना। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है किसी भी, ठीक है, अभी जो एग्जाम अपकमिंग है उनमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और आप कह सकते हैं यहाँ के प्रेसिडेंट अगर पूछा जाए आपसे, ठीक है,
प्रेसिडेंट अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं वहां पे मोहम्मद मोहम्मद शहाबुद्दीन, मोहम्मद शहाबुद्दीन यहाँ के जो है प्रेसिडेंट हैं, पीएम आपकी हैं शेख हसीना। तो बांग्लादेश ये सारे ऑप्शन आपको जो है बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चीफ जस्टिस वहां से पूछे जा सकते हैं, वहां से प्राइम मिनिस्टर वहां के पूछे जा सकते हैं, और वहां के प्रेसिडेंट पूछे जा सकते हैं। चलिए, और 10th क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। व्हेन वाज इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी सेलिब्रेटेड रिसेंटली, कब कह रहा है कि बच्चे ये मनाया गया दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया गया, ठीक है, जो लोकतंत्र अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस इसे बोला जाएगा, कब मनाया गया। ऑप्शन ए हमारे पास 13 सितंबर है, 15 सितंबर है, 14 सितंबर है, और नन ऑफ दीज है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 15 सितंबर को मनाया गया, 15 सितंबर को मनाया गया, ठीक है। तो अभी भी जो भी अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा 15 सितंबर। और नीचे सितंबर के अदर डेज गिवन है, इंटरनेशनल चैरिटी डे गिवन है 5 सितंबर को, इंटरनेशनल पोलिस कॉर्पोरेशन डे गिवन है 7 सितंबर को, एंड वर्ल्ड ठीक है फिजियोथेरेपी डे एंड इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 8 सितंबर। एंड हिंदी दिवस मनाया जाता है बच्चे 14 सितंबर को, अभी हाल ही में 2 दिन 3 दिन पहले आपको देखा होगा आपने जो है मनाया गया है। एंड वर्ल्ड काउंट कोकोनट डे जो है 2 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जितने भी सितंबर के इंपॉर्टेंट डेज हैं ये सारे आपको जो है अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए बच्चे इतने ही, 10 क्वेश्चन जो भी डिस्कस हुए, इसकी जो आपको बच्चे पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर एफटी ग्रुप पर आपको मिल जाएगी, जो जो कि बायलिंगुअल होगी, ठीक है, जो कि बायलिंगुअल होगी, बायलिंगुअल पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी विद आंसर्स, ठीक है, इसके आंसर भी होंगे उसमें। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट आपके सेशन में जो है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जो भी आपके रिसेंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट डे आपको जो है मॉर्निंग में मिल जाएंगे यूट्यूब पर, यूट्यूब के साथ साथ इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए बच्चे आज के इतना ही, थैंक यू एवरीवन हमको सुनने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए,